भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती आज उदयपुर में नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ विभिन्न झांकियों के साथ मनाई जा रही है। इसके दृश्य आप देखें कि महावीर जयंती पे सभी उदयपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस पर्व पर हम भगवान महावीर के आदेशों को लालन करें और उसके लिए एकजुट होके देश की प्रगति के लिए उत्थान करें। आप देख पा रहे हैं बैंड बाजों के साथ पूरा दिल्ली गेट का दृश्य। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सारी उदयपुर में शोभा यात्रा रोपया की आवागन के यात्रा निकल रही है। इसमें हम सभी जैन बंधु बता रहे हैं आपको सादर महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो उद्देश्य दिए हैं, जियो और जीने दो, प्रकृति को बचाओ, या देखिए आप हर एक पेड़ बचाओ, हर एक संदेश यहाँ पर झांकियों के माध्यम से जो है दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के पेड़ों को यहाँ झांकियों में सम्मिलित किया गया है। माताएं बहनें जो है इसका झांकियों का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और झांकियों में भाग लेने वालों के अभिनंदन के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ लाई गई है, हर प्रकार के फूलों को सजाया गया है ताकि जियो और जीने दो का संदेश विभिन्न झांकियों के साथ जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के साथ जो है बहुत ही मार्गी जन कल्याण की शोभा यात्रा में आपकी का हम स्वागत करते हैं। इतना विशाल जुलूस जैन समाज की एकता को प्रदर्शित करता है। आप देख पा रहे हैं बड़े ही सुंदर झांकी जो निकल रही है, बड़ी संख्या में प्रशासन मौजूद है और समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद है और पूरे भव्य शोभा यात्रा जो है ये नगर में होते हुए पूरे नगर से निकल रही है। तो हम चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको माताएं बहनें और सभी आज के यात्रियों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है और हर जगह कुछ न कुछ यहाँ पर ठंडे की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उनका हर ध्यान रखा जाए। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरा अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महात्मा महासभा और देखिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक जितने भी संगठन है जैन धर्म में वो सभी यहाँ मौजूद है और जी भर के धर्म और पुण्य किया जा रहा है। पूरा बापू बाजार बंद पड़ा है, सारी दुकानें बंद है, लेकिन भक्तों की ये खूबसूरत तस्वीरें ये जो निकल के आ रही है ये बहुत ही भक्तिमय तस्वीरें। देखिए भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति इतनी जबरदस्त भक्ति का सुंदर तस्वीर हम यहाँ से देख रहे हैं। हर समाज को यहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है, हर समाज को
यहाँ से सीखने की जरूरत है कि हम अपने धर्म को, हमारे अपने इष्ट देव को किस प्रकार से याद करें, उनके मान सम्मान में किस प्रकार से जहाँ की शोभा यात्रा निकालें। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। विभिन्न विभिन्न देखिए झांकियाँ यहाँ मौजूद है, जगह जगह स्टेज लगाए गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। हम संचालन के लिए शिल्पा सिन्हा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत अप्रतिम तरीके से आपने शिल्प का स्टेज का संचालन किया, इसकी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रभु राम के भजन हो रहे हैं, राम आएंगे। तो बापू बाजार का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां इतनी यहां पर अभी भी यहां भक्तों की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, और सभी फोटोग्राफी करते हुए। पूरा बाजार बंद है क्योंकि आज भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती है और उस पर सभी समाजों ने समर्थन किया है। पूरा नगर जय महावीर के नारों से गूंज उठा है। महावीर जी के, स्वामी जी के दिए गए उपदेशों को आज याद किया जा रहा है। मैं भी आपको बापू बाजार के एक खूबसूरत दृश्य बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, भक्तों की भीड़। तो काफी लेट हो गया हूँ मैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सभी भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, भारी भीड़ है। और इससे भी बड़ी संख्या यात्रा में मौजूद है, शोभा यात्रा में, जो भी हम देखने वाले हैं। जगह जगह सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं, ठंडे परोसते हुए समाज के हमाशाओं द्वारा। और सभी हमारे यात्री जो है वो सभी खाने पीने का लुफ्त जो है वो उठा रहे हैं, इस प्रसंग का पूरा आनंद उठा रहे हैं। बापू बाजार जयपुर की ये तस्वीरें, पूरे देश में इसी प्रकार का माहौल है। और झांकी सामने है, कुछ ही देर में हम झांकी के मध्य पहुंचने वाले हैं। सामने दिखाई दे रही झांकी, भगवान महावीर स्वामी जी जिन्होंने जियो और जिनो के उपदेश दिए हैं। तो देखिए भजन कीर्तनों के साथ यात्रियों की अगुवाई की जा रही है, क्या बात है। जय हो प्रभु की जय हो। तो कितनी लंबी झांकी हो सकती है आप देखें, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 3 किलोमीटर की झांकी है। मैं पैदल चल ही रहा हूँ, डेलीगेट से सूरज पोल तक आ गया हूँ। और झांकी यहाँ से प्रारंभ हुई था, आप समझ सकते हैं ये 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी झांकी हो सकती है। तो
तो भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि आपके ऐसे भक्तिमय वीडियो और भी खूबसूरत खूबसूरत वीडियो देखने को। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, सुंदर झांकियों के दर्शन करेंगे।